उम्मीद है सारे ठिक्के होंगे। वेल मुझे थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरे पीछे जो ये झरना बह रहा है बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है यहाँ से, इसकी आवाज़ मेरी आवाज़ आई थिंक ज़्यादा ही आ रही होगी, बट प्लीज़ कोऑपरेट करिए यहाँ पे बिकॉज इतना अच्छा व्यू देख रहे हो तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, गलत तो नहीं है बॉस। वेल सुबह के 7 बज चुके हैं, आज की राम राम बोले तो गुड मॉर्निंग कसोल के खूबसूरत से इस व्यू के साथ आप लोगों के लिए इस प्यारी सी लड़की के साथ। वेल अपनी तारीफ खुद कर लेनी चाहिए आई थिंक सो। तो बस अब मैं रेडी हूँ अपने वर्कआउट के लिए, थोड़ा बहुत अपना मॉडरेट सा वॉक करके आती हूँ यहाँ पे, 20 से 30 मिनट का वॉक करके, वर्कआउट बहुत ज़रूरी है बॉस, वर्कआउट करके ब्रेकफास्ट करके देखती हूँ कहाँ निकलना है कहाँ नहीं। अभी के लिए तो मैं ही कंफ्यूज्ड हूँ कि जाना कहाँ है, बट वीडियो में बने रहे तो पता चलता रहेगा। सो सी यू सून। सामान गाड़ी में लोड करके अब बस टाइम आ गया इस जगह को बाय बोलने का, डिफ़िकल्ट गुड बाय टू दिस प्लेस, और निकल रही हूँ अभी, पता नहीं घर जाऊँगी या रास्ते में कहीं और कोई अच्छी जगह मिल जाती है तो देखते हैं, नहीं तो प्लान है अभी नहीं बताना, वीडियो में बने रहे पता चलता रहेगा। सो लेट्स गो फॉर नाउ। मतलब 5 से 7 मिनट की दूरी पे आई हूँ मणिकरण यहाँ के गुरुद्वारे में। यहाँ का ये गुरुद्वारा बहुत ही पॉपुलर और लोग मतलब बहुत श्रद्धा रखते हैं इस गुरुद्वारे के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे बहुत लोग आते रहते हैं। मुझे जब पता चला तो सोचा कि एक बार जाते हुए यहाँ दर्शन ज़रूर करना बनता है, तो मैं पहुँची यहाँ गुरुद्वारे में। यहाँ पे यहाँ की एक बहुत खासियत है, मतलब मैंने ये चीज़ पहली बार देखी लाइफ में, मेरे लिए ये किसी मतलब यूँ लगा लीजिए मिरेकल से कम नहीं लगा मुझे, मैं शौक हो गई वो चीज़ देख के कि यहाँ पे जो पानी बह रहा है जिस झरने से वो तो ठंडा है, उसके साथ में 2-3-4 जगहों से पानी जो निकल रहा है वो इतना गर्म पानी निकल रहा है, नेचुरली बिल्कुल हॉट वाटर कहते हैं ना कि हमारे घरों में गीज़र से भी इतना गर्म पानी नहीं आता होगा जितना यहाँ पे नेचुरली इतना गर्म पानी, लोग इस पानी में नहाते हैं, नहाने का अलग है, और मतलब यहाँ पे जो चावल या खीर वगैरह जो अपनी ये बनाते हैं उसी गर्म पानी में बनाते हैं, और वो गर्म पानी आप लोग अभी देखेंगे ना विश्वास नहीं करेंगे कि इतना गर्म पानी और नेचुरली पहाड़ों से आ रहा है ये। चंडीगढ़ के पास बिल्कुल कुछ किलोमीटर की दूरी पे हूँ, और आज का व्लॉग मैं पूरा दिन कुछ भी शूट नहीं कर पाई मॉर्निंग के बाद बिकॉज आज छोटा सा इंसिडेंट हो गया, एक रास्ते में कीरतपुर के 25 किलोमीटर पहले एक एक्सीडेंट हो गया था और एक बुज़ुर्ग से अंकल थे उनको काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी और कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था, एम्बुलेंस में पता नहीं वहाँ पर कितना टाइम उनको लग जाता, सो उन्होंने रिक्वेस्ट किया जो उनके साथ थे कि प्लीज़ आप इनको एक बार यहाँ डॉक्टर तक ड्रॉप करा दीजिए, तो कीरतपुर हॉस्पिटल हम उनको पहले लेके गए। मतलब इतना बुरा हाल है यहाँ पे डॉक्टर्स का कि कोई डॉक्टर नहीं मिला, इवन इमरजेंसी केस के लिए भी वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं था, फिर जैसे तैसे करके कोई प्राइवेट क्लिनिक ढूंढा हमने वहाँ पे, वहाँ उनको ड्रॉप करके आए, डॉक्टर वॉक्टर मिल गए तो उस टाइम ठीक थे, तो उनको वहाँ छोड़ के फिर हम निकले यहाँ, और अब पहुँची हूँ चंडीगढ़ के नज़दीक, और मैंने लंच भी नहीं किया, बहुत भूख लगी मुझे, सो
फाइनली मुझे KFC मिला, क्योंकि मैं KFC पे आज अपना राइस बॉल खाना चाहती थी और अब मैं खा सकती हूँ, बिकॉज मैंने 5 से 6 घंटे तक कुछ नहीं खाया. सो मैं एक काप बाउल ले सकती हूँ अपना. सो बस अब अपना लंच करके देखती हूँ आज, अगर ज़्यादा लेट होता लगा तो चंडीगढ़ में स्टे रहेगा, अदरवाइज घर के लिए निकलते हैं. सो जैसे भी रहेगा पता लग जाएगा. शाम के 7 बजे भी 30 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है. कहाँ में वहाँ थी, माइनस में, नेगेटिव में टेम्परेचर था. सोचिए मतलब कितना मज़ा आ रहा होगा ना. और यहाँ तो मतलब आते ही दिमाग की दही होना स्टार्ट हो गया है. अभी पूरा जून, पूरा जुलाई, 2 महीने बस पता नहीं कैसे कटेंगे. बट इन बिटवीन अपना कुछ ऐसा वेकेशन प्लान करते रहेंगे आप लोगों के लिए, वीडियोस के लिए, और मेरा भी थोड़ा मूड चेंज करने के लिए ऐसी जगहों पे जाते रहेंगे. सो यस, वन थिंग, पीछे का जितना भी सारा मैस है प्लीज़ इग्नोर करिए, सिर्फ अपनी बातों पे, मेरी बातों पे ध्यान रखिए, इसको मत देखिए. क्योंकि ये सारा जिस चीज़ के लिए गया था, लेके ट्रिप के लिए सारा 15 दिन का पूरा सामान था इधर, बट वो नहीं हुआ तो बेचारा वापस आ गया साथ. कोई बात नहीं, इसको उठा के रखेंगे, अगर प्लान बना तो फिर डाल लेंगे गाड़ी में, वरना रखा रहेगा. और क्या ही कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते. फाइनली इस ट्रिप के सीरीज इस वीडियो के साथ ख़त्म होती है और मैं अपने घर के रूट पे हूँ अभी. और जैसा कि मैंने अपनी इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं इस रूट से आती या जाती हूँ, यहाँ ज़रूर रुकती हूँ. सो भूख तो इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मैंने अपना लंच इवनिंग टाइम पे ही किया था, बट थोड़ा बहुत थी तो सोचा कि नींद नहीं आएगी तो कुछ कैफीन लिया जाए. तो मैं यहाँ कॉफ़ी के लिए रुकी हूँ, अपना कॉफ़ी लेके. वैसे चाय यहाँ की फेमस है बट मुझे अभी के लिए कॉफ़ी चाहिए था, तो कॉफ़ी पी के बस अपना घर पहुँचते हैं. मिलती हूँ आपसे वहाँ पे. बात कुछ ऐसे है, बट इन बिटवीन मैं बता दूँ कि मैं घर पहुँच चुकी हूँ और रात के 12:10 का टाइम हो चुका है. नींद बहुत आ रही है, आँखों में नींद भरी हुई है, बट सोने से पहले ये स्टोरी भी शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आप लोगों के साथ. सो शुरू करते हैं मैं अपनी ये चीज़ की. जब दिन में वो एक्सीडेंट हुआ, वो अंकल जी अपनी किसी फैमिली के साथ मतलब जा रहे थे हिमाचल घूमने में भी, और बहुत खून बह रहा था उनके बॉडी से, सिर पे उनको चोट आई थी. और उनका जो लड़का था वो सब हेल्प के लिए, मतलब उनकी फैमिली हेल्प के लिए बुला रही थी, मतलब 2-3 वीकर और हमारे से पहले भी थे, बट कोई उनकी हेल्प के लिए रोक नहीं रहा था. समझ नहीं आया मुझे क्योंकि क्यों नहीं रोक रहे थे, बट जैसे उन्होंने मेरी गाड़ी की तरफ हाथ किया कि ये ऐसे ऐसे करके एक्सीडेंट हो रखा है, मतलब मेरी गाड़ी में जगह नहीं थी उस टाइम की इवन एक पर्सन को भी एडजस्ट किया जाए. बिकॉज मैं जैसा कि आप लोगों को बताया कि बहुत सारा लगेज मैं अपना लेके गई थी, पूरी गाड़ी फुल थी ऑलमोस्ट मेरी. बट जब मैंने उनकी हालत देखी कि इस हाल में थे वो, मैंने जैसे तैसे करके मैं कहा चलो ठीक है एडजस्ट कर लेंगे आप लोग ले गए. वो बोले कि सामान ज़्यादा है आपकी गाड़ी में भी एडजस्ट नहीं होंगे. मैं कहा वो कर लेंगे आप ले के आइए. तो मतलब बहुत मुश्किल से ही सही, बट मैंने जैसे तैसे करके उनको एडजस्ट किया और किरतपुर एक हॉस्पिटल लेके गए उनको. वहाँ जब डॉक्टर वॉक्टर मिले, पूछा कि ये ठीक हो सकते हैं, तो मुझे थोड़ा तसल्ली हुआ कि हाँ चलो अब ठीक है. और ये करने के पीछे रीज़न क्या है वहाँ पे, मतलब मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी कि आजकल में बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि कोई किसी की हेल्प करने को रुकता है. बट मतलब मेरे पीछे की जो कहानी वो अब स्टार्ट होती है कि मैं ऐसा करती हूँ या मुझे क्यों करना अच्छा लगता है. बिकॉज मुझे नहीं ध्यान मुझे वो स्टोरी किसने सुनाया है या मतलब कब सुनाया था, बस जस्ट मुझे याद है तो उसका जो मोरल था स्टोरी का वो कि एक बार 2 कॉम्पिटिटर होते हैं और मतलब भगवान उनके सामने होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें एक पावर होती है बेसिकली, कि एक शक्ति उसको मिलेगी उन दोनों कॉम्पिटिटर्स में से कि जो उस कॉम्पिटिशन को जीत के आएगा. तो कॉम्पिटिशन बेसिकली क्या होता है, भगवान जी उन्हें एक रास्ता देते हैं कि जो इस रास्ते पे जाके और पहले मेरे तक पहुँचेगा वो विनर रहेगा, उसको सारी पावर मिलने वाली है.
तो वो निकलते हैं अपनी उस कंपटीशन के लिए, उस जर्नी के लिए। तो एक होता है फर्स्ट जो कंपटीटर होता है, उसके माइंड में सिर्फ एक चीज़ सेट होती है कि बाय हुक और बाय क्रुक मुझे कंपटीशन जीतना है। और जो सेकंड वन होता है उसके माइंड में होता है कि जीतना है, बट साइड बाय वो बहुत काइंड होता है बाय हार्ट। तो जैसे वो स्टार्ट होते हैं, भगवान जी उनकी परीक्षा स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट हर्डल उनके सामने आता है, तो एक किसी ओल्ड लेडी को भेजते हैं उनके सामने कि देखते हैं ये हेल्प करते हैं कि नहीं। वो बहुत हेल्प मतलब किसी प्रॉब्लम में होते हैं, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है। बट जो फर्स्ट वाला होता है वो नहीं रुकता है, बिकॉज उसे जीतने का जुनून होता है, वो निकल जाता है। जो दूसरे वाला होता है वो देख के रुक जाता है कि नहीं, कि अगर मतलब मेरी फैमिली से कोई ऐसे होता और उसको इतनी मदद की ज़रूरत होती और कोई नहीं रुकता तो कैसा लगता। तो वो उस लेडी की हेल्प करता है, और भगवान जी चीज़ देखते हैं कि हाँ वो नोट हो जाती है वो जिस किस बंदे ने यहाँ पे अपनी काइंडनेस दिखाया। देन सेकंड हर्डल भगवान जी देते कि कीचड़ में एक छोटा सा बेबी फंसा हुआ होता है। तो फर्स्ट वन जब उसको देखता है तो सोचता है कि अरे यार मैं ऐसे रुका तो मैं तो कंपटीशन हार जाऊंगा और मैं पीछे रह गया तो मेरे को पावर नहीं मिलेगा। फिर सेकंड वन जो कॉम्पिटिटर होता है वो देख के फिर से सोचता है कि यार ये चीज़ जीतना हारना तो चलता रहता है, बट इस बच्चे को ज़रूरत है इसी से बाहर निकलने की। तो उसको कीचड़ से बाहर निकाल के और साफ वाफ करके दे के आता है जहाँ भी, तो वो थोड़ा लेट हो जाता है। दो तीन ऐसी हर्डल भगवान जी मतलब जानबूझ के उनके आगे रखते हैं, जस्ट टू चेक कि ह्यूमैनिटी किसके अंदर ज़्यादा है और काइंडनेस कौन दिखाता है, या सिर्फ जीतना ही ज़रूरी है। तो जब वो जिसके माइंड में सिर्फ जीतना 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 होता है वो पहुंचता है, तो भगवान जी कहते हैं रुक जाते हैं, आई मीन की रिजल्ट की डिक्लेरेशन के। जब सेकंड वन पहुंचता है वो थोड़ा सैड तो होता ही है कि मैं लेट हूँ, बट वो बहुत सेटिस्फाइड और बहुत खुश होता है कि मैंने जो रास्ते में जो हेल्प किया है उस हेल्प की वजह से वो इतना सेटिस्फाइड होता है कि चाहे मैं नहीं भी जीतता हूँ बट मैं अपने मन से बहुत खुश हूँ कि मैं इतने अच्छे काम करके फाइनली इस चीज़ तक पहुँचा हूँ। तो फर्स्ट वन जो होता है वो तो ओवर कॉन्फिडेंट की सारी शक्तियाँ जो है वो मुझे मिलने वाली है, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। भगवान जी ने दोनों चीज़ों को कंपेयर किया और बताया कि जीतना तो ज़रूरी था ही, बट एट द सेम टाइम अपने गोल के साथ साथ ज़रूरी है कि आप कितने काइंड हैं, या दूसरों को लेके आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपने आसपास कितना पॉजिटिविटी आप फैलाते हैं, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। सिर्फ जीतना ज़रूरी नहीं था, एक अच्छा ह्यूमन बींग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे ह्यूमन ही नहीं हैं तो एक अच्छे मतलब विनर कैसे हो सकते हैं। सो जो सेकंड वन होता है जो हेल्प कर करके आगे बढ़ रहा होता है, भगवान जी उसको सारी पावर देते हैं जस्ट बिकॉज कि वो बहुत काइंड था, वो लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़ रहा था। वो ये नहीं था कि मदद कर रहा था वो रुक गया, नहीं, वो हेल्प भी कर रहा था प्लस वो अपने गोल की तरफ भी बढ़ रहा था। सो ये स्टोरी मेरे माइंड में आज तक भी है, मैंने कभी बचपन में कभी सुनी होगी। आई थिंक मैं 6th 7th स्टैंडर्ड में थी, मुझे याद नहीं कि किसने मुझे ये सुनाया था, बट जिसने भी सुनाया ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है। आज तक मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ अप्लाई करती हूँ। हालांकि एक दो बार घर वालों से डांट सुनने को भी मिलता है कि तू ऐसे किसी की भी हेल्प कर देती है तो कहीं तेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, तो मैं कहा जो होगा वो तब का तब देखा जाएगा, बट अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ तो मेरे साथ आई एम डैम श्योर कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। बेसिकली इस चीज़ का मोराल क्या है कि आप लोगों को काइंड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करिए, बिकॉज कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिवॉल्व्स अराउंड यू, अगर आप अच्छा करते हैं तो घूम फिर के आपके पास अच्छाई ही आती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है तो आप लोग भी उसके साथ गलत करें, नहीं, अपने जो आप खुद हैं उसको मत बदलिए दूसरों की बुराई को देख के। अगर आप अच्छे हैं तो घूम फिर कर आपके पास अच्छाई ही आएगी। सो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और इन बिटवीन आपको कुछ ऐसा दिखता है कि कोई नीडेड है या कोई ऐसा पर्सन जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, उसके लिए वो चीज़ बहुत बेनिफिशियल है, सो गाइस बिना सोचिए मदद करिए दूसरों की और फील करिएगा उस खुशी को। आई एम डैम श्योर वो खुशी आप शायद कभी पहले फील कर रहे होंगे जो दूसरों की मदद करके आप लोगों को होगी। जैसा कि जो आज मैंने दिन में उन अंकल की हेल्प किया तो वो खुशी मुझे आ जा रहा कि मैं लेट हो गई हूँ घर पहुँचने में, बट इट्स फाइन कि अगर 1 घंटा पहले पहुँच जाते तो भी क्या हो जाता, बट मुझे सेटिस्फेक्शन है मुझे उनकी हेल्प करके। वो बेचारे इतने दर्द में थे और स्टिल जब मैं चलने लगी तो उन्होंने मुझे बुलाया कि एक बार उनको बुलाना जो गुड़िया इधर लेके आए हैं, तब मैं गई तो बोले बेटा थैंक यू। उनको होश भी नहीं था लिटरली कुछ भी, बट उन्हें ये पता था कि किसी ने हेल्प किया है।
सो जो वो उनके ब्लेसिंग्स है आई थिंक वो मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर काउंट होंगे और कुछ अच्छा बन के वो मेरी लाइफ में आई एम प्रिटी श्योर जरूर मेरे सामने आने वाले हैं. सो गाइज बी काइंड टू दिस वर्ल्ड, द वर्ल्ड नीड इट्स मोर. सो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, छुटको सा स्टोरी था. आई होप कि आप लोगों को ये कुछ हेल्प करेगा या पसंद आया होगा. जस्ट मेरे मन में था तो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ. सो अब एंड करती हूँ इस ब्लॉग का, बिकॉज अब आ रही है बहुत बढ़िया वाली नींद. अब सो के पता नहीं कल किस टाइम उठा जाएगा और नेक्स्ट सीरीज प्लान है कहाँ जाना है. बस एक बार ये सीरीज आप लोग देखिए, खत्म करिए, सारी वीडियोस देख के लाइक करिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और एक बेल आइकन दबाना, छोटू सा बेल आइकन होगा उसके साथ, वो दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सो दैट कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलती रहे. एट द एंड ऑफ दिस ब्लॉग हमेशा की तरह मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो. सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग.